सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड का। और गाइस, जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था गाइस, वो घड़ी यहाँ पे आ चुके, क्योंकि आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस, टायर 6 का जो कोलोसिस बॉसेस होते हैं ना गाइस, उनको मारने वाले। टायर 6 में एक नई बॉस आई थी जो कि गाइस ये वाले जो रीपर है ना, मतलब ऐसी एक रीपर थी, फॉलन डिमोनिक रीपर इम्प्रेस बॉस, उसको हमने मार दिया है। अभी टायर 6 के 4 बॉस यहाँ पे बचे हुए हैं, जिसमें आइस, इलेक्ट्रिक, फायर एंड पॉइजन कोलोसिस आते हैं, जिनको मारने का काम हम आज करने वाले। वैसे उनमें से सिर्फ एक ही कोलोसिस को आज मैं मारने वाला हूँ, एंड वो कोलोसिस है गाइज आइस कोलोसिस। वैसे गाइज, उस आइस कोलोसिस की पावर ये होती है कि वो जो है ना गाइज, जो भी उसको मारने के लिए आता है ना गाइज, जो भी उसके नज़दीक जाता है, उसको पूरी तरह से फ्रीज कर डालता है। बट उस फ्रीजिंग से बचने का तरीका मेरे पास एक है भाई, ठीक है, वो क्या है बताता हूँ गाइस, रुको जरा सबर करो। पर उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना गाइस, वो जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की और हमारे व्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। और एनी के चैनल पे 100 डे आर्क मोबाइल की वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, काफी खतरनाक वाली वीडियो है। और हमारा गाइज यहाँ पे जो है ना गाइज, सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते हैं आज की इस एपिसोड की और एक खतरनाक से बॉस फाइट की शुरुआत बिना किसी देरी के। अभी गाइज आपको पता होगा कि भाई हमारी डिमोनिक रीपर जो है गाइज, उसके पास असेंटेड वाला आर्मर है, तो वो डैमेज से तो बच सकते हैं, बट फ्रीज होने से कैसे बचे, उसका भी जो है ना गाइस अपने पास यहाँ पे जुगाड़ है। एक्चुअली मैं आज सुबह ही प्राइमल फेयर का एक अपडेट आया है, जिसमें उन लोग ने ये देख रहे हो, ये वाली बेंच ऐड करी है। और जब मैंने इस बेंच को चेकआउट करा तो इसमें ऐसे डायनो के कंज्यूमेबल्स है, जिनको अगर मैं बना लेता हूँ तो बॉस फाइट के टाइम पे 15 मिनट कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 15 मिनट पे कोई भी बॉस हो, डायनो, कोई भी चीज हो, अपन को फ्रीज नहीं कर सकता भाई, ठीक है, अपन को मतलब अपने डायनो को फ्रीज नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो इसलिए जो ना गाइस मैं इस चीज को यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको बनाने के लिए भाई कुछ एलिमेंटल बिलिमेंटल एंडो की जरूरत थी, जो हमारे पास भर भर के पड़े थे। तो ये वाली जो चीज है ना गाइस, डायनो ट्रीट आइस, वो हमारे जो ना रीपर को हम खिलाएंगे और उससे जो ना गाइस हमारी रीपर जो ना गाइस वो फ्रीज मुक्त हो जाएगी और उसको फ्रीज नहीं पड़ेगा। और अभी टायर 6 की बात करें तो टायर 6 में काफी सारे अलग अलग बॉसेस के वेरिएंट है, बट उसमें से अपन इसको यहाँ पे अभी पेलने वाले। इसके लिए मुझे केओस ऑर्ब और स्पिरिट ऑर्ब की जरूरत है, और इसको बनाने के लिए मुझे सिलेस्टियल और डिमोनिक केबल की जरूरत है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 एंड डिमोनिक वाले 5 और वो वाले 5 केबल बना दिए मैंने। बट ऑर्ब बनाने के लिए क्या मेरे पास सिलेस्टियल वाला अंडा है, जो कि हमेशा मेरे पास नहीं होता है, बट देखता हूँ, रुको गाइस, अभी क्या अंडे है सिलेस्टियल वाले, हाँ 3 अंडे है गाइस, 3 अंडे सही है, चलो 3 अंडे भाई। और माइक्रोराप्टर है, अच्छा ये वाला, अच्छा मिथिकल माइक्रोराप्टर अंडे दे रहा है भाई, ये वाला जो मिथिकल माइक्रोराप्टर है ना गाइस, वो अंडे दे रहा है यहाँ पे, चलो भाई सही है। उसके अंडों का क्या करेंगे पता नहीं, बट अभी फिलहाल के लिए तो ऊपर चलते हैं और सबसे पहले जो ना गाइस यहाँ पे बॉस को बना लेते हैं। किबल बन रहे, ओके चलो, और ओके ये पहले किबल बनने दो, उसके बाद और बनाने का काम जो है ना चालू कर देंगे। नेमलेस का वेनम खा लेता हूँ, रुको गाइस, नेमलेस का वेनम पी के चलेंगे बॉस फाइट करने के लिए। और जो भी गाइस इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो अंदर डाल देता हूँ। ये अंडा विंडा क्या कर रहा भाई, टेमल पर तो है अपने पास, स्टिमुलेंट बहुत सारे, हाँ चलो और बना लो जी। ओके इस ऑर्ब को बनने दो, उसके बाद दूसरा वाला ऑर्ब भी बना लेंगे अब, ठीक है। क्योस और स्पिरिट दोनों ऑर्ब की जरूरत है हमको यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा स्पिरिट ऑर्ब। एंड अभी हम लोग ये खाना भी खा ले, अभी हम लोग जो है ना टायर 6 वाला ये बॉस बना सकते हैं, इजी पीजी ब्रो, लेट्स गो गाइस। इजीली बन गया आइस वाला कोलोसिस,
और इसके हेल्थ ना बहुत ज़्यादा ही तगड़ी होने वाले, बहुत ज़्यादा तगड़ी। देखते चलो गाइज कि आइस पॉलिसी जो है ना गाइज, उसको हमारी जो रिपर है पैरी पैरी सी, वो मार पाती कि नहीं गाइज। ठीक है, लेट्स गो। ट्रैकर खिलाना चाहिए भाई, ट्रैकर के बिना तो काम नहीं होगा भाई। रुक जाओ गाइज, मैं इसको ना ट्रैकर खिला देता हूँ। यहाँ पे पहले तो ट्रैकर बना लेते हैं, उसके बाद हमारे पैरी पैरी से रिपर को खिला देते हैं। ठीक है गाइज, ट्रैकर मैंने खिला दिया है। अभी जो ना गाइज, मैं इसको डायरेक्टली बॉस फाइट होते हैं ना वहीं पे बुला लेता हूँ, क्या बोलते हो? ऐसे रिपर की स्पीड काफ़ी तगड़ी वाली है, यही से लेके जाता हूँ। चलो आ जाओ, लेट्स गो। हाँ, इसकी स्पीड जो है ना गाइज, हमारे स्पीड से काफ़ी ज़्यादा तेज है, इसलिए गाइज इसी के ऊपर डायरेक्टली बैठ के चलते हैं। और गाइज आजू बाजू के जो है ना गाइज एरिया के डायनोस भी मैं क्लियर कर देता हूँ, वरना पता चला वहाँ पे कोई ओविस बीवीज है। मैंने बॉस फाइट चालू करी, उसके बाद भाई वो ओविस आके भाई मेरे रिपर से हार्वेस्ट हो गई और गेम क्रैश होगा, ऐसा ना हो ना, इसलिए भाई पहले एरिया क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ओविस तो दिख नहीं रहे, वैसे नहीं दिख रही है ना। चलो गाइज कर ले चालू, पहले तो इसको मैं खिलाऊंगा ये चीज इससे। हाँ भाई, ऊपर टाइम दिख रहा है गाइज, उतने टाइम तक अपने इस डायनो को कोई भी फ्रीज नहीं कर पाएगा। ये हो गया पावर अप, पावर अप हो गया, ये हो गई स्पाई ग्लास चालू ताकि हेल्थ देख सकूं। और सबसे खतरनाक बॉस को अभी बुला रहा हूं, 1 2 3 हेवी गो। हेल्थ 30 बिलियन है मम्मी रे बेटा, भाई कैसे चल चल चालू जा, उग्र हो जा तू, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वेल प्लेड बॉयज। अरे फ्रीज करेगा, फ्रीज करेगा भाई, आज तो मेरे को कोई फ्रीज नहीं कर पाएगा, आज तो मेरे को कोई फ्रीज नहीं कर पाएगा बेटा। भाई फ्रीज करने की पूरी कोशिश चल रही है भाई, फ्रीज फ्रीज हो रहा हूँ उसके बाद अनफ्रीज हो रहा हूँ। हाँ भाई, मैं फ्रीज हो रहा हूँ उसके बाद अनफ्रीज हो रहा हूँ भाई। मेरा काटो वाला अटैक ही सबसे खतरनाक है, ये देखना मूर्ख बालक फ्रीज कर रहा है बट वर्क ही नहीं कर रहा भाई इसका फ्रीज। इसका फ्रीज जो है ना गाइस, मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा दूं बट नहीं दिखा पाऊंगा भाई। हेल्थ देखना क्या कर रहा हूं मैं इसकी, ये मार रहा है डंडा, देखना फ्रीज कर रहा है बट मेरा काटो वाला अटैक जो है ना गाइस, वो इसकी बैंड बजा रहा है। अबे कहां भाग जाता है बार बार तू है, कहां भाग जाता है डरपोक, इधर आ इधर आ इधर आ, काटेगा मेरे काटेगा। अबे तेरे मिनियन भी बच्चे मेरे सामने, बच्चे आते आते जला के खाक कर दूं तेरे मिनियन को। आते आंधे बोले 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 मर गए, जल गए भाई, ले ले। अरे बैंड बज गई तेरे मिनियन की, ले ले हार्वेस्ट भी कर लिया, जा जा गेम क्रैश ना हो जाए। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा ही तो हार्वेस्ट करा था, ज़्यादा नहीं करे थे, 15-20 मिनियन को हार्वेस्ट करा था, 15-20 को भाई लग गए भाई, बैंड बज जाएगी मेरे को, क्या चुल मची थी उसको हार्वेस्ट करने की, बताऊं यार मरने वाला था वो बस, मुझे उतने सारे मिनियन को हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। आउट गोइंग रिप्लाई रिलायबल बफर ओवरफ्लो, बच गई बैंड, क्या बोले यार, सैड लाइफ। रिपर ना मरेगा इस, रिपर को डैमेज तगड़ा दे रहा है गाइस, मैं आपको बात एक बात बता दूं, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है वो, रिपर ना मरे खारी। रुक जाओ मैं वापस से रिजॉइन कर लेता हूँ यार, ओविस ने तो नहीं बट भाई वो भाई उसके मिनियन ने गेम क्रैश करा दिया यार। भाई सर्वर तो ज्वाइंट हो गया हूं कस करके बट क्या हुआ, बॉस को मार दिया इसने, मार दिया क्या, अबे मार दिया क्या बॉस को, अब बॉस तो दिखाई नहीं दे रहा गाइज, मैंने जो बर्निंग अटैक डाला था उसमें मर गया क्या भाई, 10-15 मिनट तो भाई उसी में खत्म हो गए यार ज्वाइंट होने में। यार ये तो चीटिंग है भाई, मैं नहीं खेलेगा भाई ये गेम, ये क्या बदतमीजी हुई है रे भाई। भाई गाइस देखना ना भाई, ये बिक गए गवर्नमेंट सारे मिलके पागल बना रहे गाइस हमको। गाइस रुको भाई, वंस मोर इस बार जो है ना गाइस, इस बार अच्छे से यार थोड़ा सा गाइस भाई देखना भाई, अभी इसमें गलती तो मेरी थी, गेम क्रैश हुआ करके बट कोई ना भाई ठीक है। मैं एक और बॉस को जो ना देखना भाई, मैं बना नहीं सकता, सच बता देता हूँ आपको, एक और बॉस मैं अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि गाइस उसके लिए मुझे ना नोवा द डिस्ट्रॉयर पिकॉन द क्रिएटर को मारना पड़ेगा, जो बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग अभी एक काम कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा जो ना गाइस जादू बाबा की मदद ले लेते हैं,
और उसके बाद जो है ना गाइस जादू से कोलोसस को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, क्योंकि गाइस हमारा गेम क्रैश हो गया था और इसने मार दिया और सारा फन मैंने मिस कर दिया, तो जादू से मैं ले लेता हूँ। एंड उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे मस्त पे की जो आगे के बॉसेज है वो खुद से बना लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे ग्लिच हुआ था इसलिए मैं जादू से ले लेता हूँ भाई, ठीक है, रुको गाइस एक मिनट। गाइस कोलोसस सर जी आ चुके हैं अपने पास, ठीक है, चलो चलते हैं, बूम बाम करते हैं बुल्डो भाई, ठीक है, उसी लोकेशन पे जाएंगे पावर अप। ओह शिट ड्यूड, मुझे एक चीज लेके आनी पड़ेगी, उसके बिना ये बॉस फाइट ना इम्पॉसिबल हो जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे इतने स्टन पड़ेंगे और मैं इतनी बार मरूंगा ना गाइज, भाई मैं बता नहीं सकता आपको भाई, ठीक है। और वो चीज़ क्या बताया गाइज यहाँ पे, मुझे चाहिए इसको फ्रीज होने से बचाने के लिए जो मैंने पिछली बार खिलाया था ना गाइज, वो वाला पोशन, उस पोशन से हमारा जो भाई ये फॉलन डिमोनिक रिपर है ना वो फ्रीज नहीं होगा। और इसकी हेल्थ देख रहे हो 50 मिलियन है मात्र, ठीक है, तो इसके मरने के काफी ज्यादा चांसेस है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना यहाँ पे हीलिंग पोशन बना दो, मैं ये नहीं चाहता कि भाई लुढ़क भिड़क जाएगा इस कहीं पे हमारा रिपर, काफी खतरनाक वाले रिपर है यार, मर फिर गई तो भाई थोड़ा सा दुख होगा यार, मेरे को दुख लगेगा भाई। चलो अभी ना मैं यहाँ पे वो फ्रीज से बचाने वाली जो सीड या फिर जो भी चीज थी ना ये भाई बना लेता है, इसका नाम क्या है भाई, आइस ना, अरे यार अनलॉक करने के लिए पॉइंट हो, माइनस में पॉइंट जा रखे, रुको ऐसा गरीबी चल रहा है ना, ये देखो माइनस में भाई 31 पॉइंट जा चुके हैं, ये कोई तो ग्लिच है गाइस सर्वर का, तो उसमें ना हम लोग जो है ना गाइस हमारे पॉइंट माइनस में जा चुके हैं और हम नई नई चीजें अनलॉक नहीं कर सकते, इसलिए इनग्राम अनलॉकर से भाई करनी पड़ती है। आ जाओ चलो, आइस वाला जो है ना गाइस ये सीड में बना लेता हूँ, ये सीड नहीं है एक्चुअली में एक ट्रीट है भाई, ठीक है, एक ट्रीट बोले तो एक रिवॉर्ड दे रहे गाइस हम उसको भाई, हाँ ये ले खा ले और मार दे भाई उसको करके ऐसा कुछ भाई, ठीक है, चलो लेट्स गो गाइस। अबे अपन चलते उसको खिलाएंगे डिमोनिक रिपर को ये, एंड उसके बाद अपनी बॉस फाइट चालू कर देंगे। पहले तो बैठ जाओ मैं इसके ऊपर, फालतू का सामान ड्रॉप कर ले भाई, और इस बार किसी को भी हार्वेस्ट नहीं करना याद रखना, ये खाली 900 सेकंड का टाइमर जो है वो चालू हो गया, कर लिया पावर अप, और ये आ गया आइस कोलोसस। इस बार कितना हेल्थ है, 22 बिलियन भाई, इस बार 22 बिलियन है, ठीक है, 1700 लेवल है यार, 1700 बड़ा मन में लड्डू फूटा। अबे क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, आग में चल, अपने आग में चल, आग में अपन सुरक्षित है, अपने आग में मैं सबसे सुरक्षित हूँ। कमॉन दिखा मुझे भाई, मरा ये मरा भाई, ये मेरे को फ्रीज कर, ये देखना फ्रीज हुआ था बट मैं अनफ्रीज हो गया तुरंत। ओ अटैक का डैमेज बहुत तगड़ा है, ये वाला जो अटैक डाला है ना उसका डैमेज बहुत तगड़ा जा रहा है, मरने वाला होगा इसमें। हीलिंग पोशन कंटिन्यूस, व्हाट द हेल ड्यूड, मर गया बे, अच्छा मतलब उपसी हो गया, पता है क्यों, हमारा डाइनो जो है वो फ्रीज नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई फ्रीज हो सकता है गाइस, तुम्हारा भाई जो है ना गाइस वो फ्रीज हो सकता है, पोशन भाई मेरे डाइनो ने पिया हुआ है ना कि मैंने गाइस, सो वो सीन हो गया भाई, डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला दिया था, थोड़ा लैग ही हुआ थोड़े टाइम के लिए गेम। रुको गाइस रुको रिपर को बुलाता हूँ मेरे पास और वापस से उसको चेपने के लिए जाएंगे गाइस, यार इस बार मेरे हेल्थ का जो ना गाइस मुझे ख्याल रखना है, मर ना जाओ गाइस वापस से गई पे, ठीक है, कंटिन्यू सीलिंग पोशन स्पैम करना पड़ा तो भी चलेगा भाई। अच्छा रिपर भाई, रिपर की हेल्थ देखना भाई साहब, भाई उतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई बट गाइज यहाँ पे ना मैं कंटिन्यू सीलिंग पोशन भाई इसको खिला रहा था इसलिए डाउन नहीं हुई इतनी ज़्यादा, वरना तो अभी तक गई जिसकी बैंड बच चुकी होती बैंड। चलो जल्दी चल भाई, यहीं पे होगा कहीं पे वो कोलोसस भाई, उस कोलोसस को तो बैंड बजा देने मेरे को, कहाँ पे भाई, मरा तो ना होगा तू भाई, 10 बिलियन बचा है ना, ले ले भाई बेटा। अबे चमन ये क्या बात हो रही है, मेरा काटो वाला अटैक जो पीछे क्यों जा रहा है, भाई मेरा ये देखो मेरा काटो वाला अटैक पीछे जा रहा है, ये आजा भाई आजा, हर तरफ आग ही आग लगा देता हूँ, ये देखो भाई क्या ललित बनाई है, फ्रीज होने वाला हूँ, घूम के निकल ले भाई, अटैक तेरे को नहीं मेरे को मरवा देगा,
भाई रुक जाओ अंकल, अंकल रुक जाओ, अंकल रुक जाओ ना यार, अभी क्या करूँ भाई अंकल बताओ ना यार, वो अटैक ही नहीं लग रहा। हाँ लग रहा है, उल्टा करके मारना पड़ रहा है, उल्टा करके। गए भाई, हीलिंग पोशन खत्म हो गए लग रहा है भाई। क्या चूमू है भाई मेरा वो रिपर भाई, टाइम भी ग्लिच हो गया यार, उल्टा अटैक मार रहा है उल्टा। गाइज मजा कर रहे हो भाई, सामने अटैक मार रहा, जुड़ के पीछे साइड मार रहा अटैक, क्या करे बंदा बताओ गाइज। अभी यहाँ पे रुको रुको रुको, वंस मोर, ये बॉस फाइट उतनी ज्यादा इजी नहीं है। पिछली बार ना वो बॉस भग रहा था भाई, इस बार का बॉस जो ना गाइज वो फाइट ले रहा है भाई उल्टा। ये भगने वाला बॉस नहीं है, ये सीधा डायरेक्टली पेलमपाल दे रहा है भाई अपन को। रुको बुला लेता हूँ, जिंदा तो है ना बेटा, जिंदा तो होएंगे भाई, ये भाई जिंदा है भाई, निकल जा बाहर। रुकना गाइस, मैं भाई हीलिंग पोशन, भाई हीलिंग पोशन बना ले, हीलिंग पोशन बना ले। हाँ रुक, इसको यहाँ पे बुला, और एफएमके वाले हीलिंग पोशन जो है ना गाइस वो यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। और राइट, हेल्थ कितनी है भाई तेरी? भाई इसकी हेल्थ भाई उतनी ज़्यादा तो गई नहीं, लेकिन मेरे को मार रहा है फ्रीजिंग अटैक से। 600 सेकेंड है अभी तक भाई, ठीक है, 600 सेकेंड तक रिपर को कुछ भी ना हो पाएगा, ठीक है। रिपर जो है ना गाइज वो यहाँ पे सुरक्षित है आइस वाले अटैक से भाई। इस बार तो चमने क्या रिपर, ये क्या है, चोमू रिपर है भाई। रुक जाओ, हाँ रुको रुको, वाह रिपर वाह, ये देखना उसके ऊपर जब अटैक मार रहा हूँ तब रिटर्न कर रही है भाई, बग बेस क्या। ये देख अभी सही जा रहा है, क्या फालतू की चल रही है रिपर की, रिपर देखना अभी सही मार रही है, अभी सही अटैक दे रही है गाइस। देखना जब मैं यहाँ अटैक डाल रहा हूँ सही जा रहा, भग गया वो, लकीली भग गया, लकीली भग गया गाइस, वो मैं फ्रीज हो चुका हूँ, लकीली भग गया ये रिपर भाई। सच में फालतूगिरी कर रही है बे, सच में फालतूगिरी कर रहे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फालतूगिरी कर रही है यार। रुको रुको, ये ले सीधा इसके ऊपर ही अटैक डाल देता हूँ अंदर घुस के, ये सही रहेगा, ये सही डिसीजन है, सीधा अंदर घुस के भाई। ये देखो इसके अंदर ही अटैक डाल दिया मैंने, पेट के अंदर, मरा मरा भाई फाइनली। फाइट बहुत खतरनाक थी भाई रिपर ना, अभी देखना सही अटैक डालेगी, अभी देखना आगे की तरफ अटैक डाल, देखा देखा क्या सबने, जलवा देखो भाई इसका, अलग स्वैग है भाई, अलग स्वैग है। जब जहाँ पे अटैक डालना है वहाँ पे डालती नहीं है, जहाँ पे नहीं डालना है वहाँ पे डाल रही है, जिस पे डालना है उस पे नहीं डाल रही है, बताओ भाई। रिपर तूने ना मेरे दिमाग का दही कर दिया था, बट ठीक है चलो, एंड पे हमने थोड़ा सा कहीं दिमाग लगाया, हमारा चार आने का जो दिमाग है वो लगाया, और भाई मार दिया। सुबह फाइट चालू करी थी गेम वेम क्रैश के कारण, और ये रिपर के भाई ग्लिच के कारण रात होगी बॉस फाइट भाई खत्म कर दे गाइज। लेकिन मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया गाइज, खतरनाक थी गाइज बॉस फाइट, मज़ेदार थी गाइज। वैसे आपको गाइज डैमेज दिखाओ, ये देखो कितना डैमेज दिया भाई, ये उसका डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ रहा था, देखना तो उसका डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ रहा था मेरे को, मेरी रिपर को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था गाइस, उसका शायद कुछ आइस पीस वाला इफेक्ट पड़ रहा था, उस रीजन से रिपर की मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली जा रही थी। लेकिन कोई ना, चलो फाइनली रिपर ने जो ना गाइस आइस कोलिसिस को एक नहीं दो बार मारा, एक बार जो मारा ना गाइस वो अपना गेम क्रैश करा तब मारा भाई, ठीक है। तब मैं बर्निंग अटैक देके गया था ना, उसमें वो मर गया ऑटोमेटिकली, और गाइस मैं वहाँ पे भाई ऑनलाइन नहीं था उस रीजन से गाइस, उसका जो कॉइन होता है ये वाला कॉइन वो मेरे इन्वेंटरी में ऐड नहीं हुआ गाइस, ठीक है, क्योंकि बेहोश बंदों के इन्वेंटरी में वो ऐड नहीं होता है, और मैं बेहोश हो गया था डायरेक्टली जैसे मेरा गेम क्रैश हुआ वैसे ही। चलो कोई ना, लेकिन फाइट काफ़ी मज़ेदार थी। वैसे आपको ये जो फाइट है वो कैसी लगी नीचे कमेंट मार के बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी रिपर कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। मिलता है अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग।
But it's too late now. I remember you and me and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk